असलम डियर स्टूडेंट्स दिस इज़ मिस नफीसा जदून अ लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स एट एस एम बी फ़ातमा जना गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज आज जो टॉपिक मैंने चूज किया है क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लिए वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज नंबर सेवन पॉइंट थ्री ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है तो स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आ, मैं आपको फैक्टोरियल नोटेशन को एक्सप्लेन करना चाहूँगी फैक्टोरियल नोटेशन जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इसका साइन होता है बिल्कुल साइन ऑफ एक्सलेमेशन की तरह ये अगर आप देखें आपको लगेगा कि ये उल्टा आई लिखा हुआ है आ, मगर यहाँ पर ये उल्टे आई को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा बल्कि फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है अब ये फैक्टोरियल होता क्या है फैक्टोरियल का मतलब ये है कि कोई भी नंबर है कोई भी नेचुरल नंबर फॉर एग्जांपल उसको अगर हम एन से डिनोट करते हैं तो एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री अप टू वन यानी कि अगर किसी भी नंबर का फैक्टोरियल आपने कैलकुलेट करना है तो आपने क्या करना है उस नंबर को उससे लेसर नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना है कहाँ तक मल्टीप्लाई करते जाना है वन तक मल्टीप्लाई करते जाना है ठीक है तो इसकी एग्जाम्पल्स अगर हम देखें फॉर एग्जाम्पल फाइव फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा फाइव को आपने मल्टीप्लाई करना है फोर से देन थ्री देन टू देन वन And the answer is 120. Similarly, 6 factorial means 6 multiplied by 5, multiplied by 4, multiplied by 3, multiplied by 2, multiplied by 1. And when we multiply all these numbers, which either we get 720. Again, another example 7 factorial, which is equals to 7 into 6, into 5, into 4, into 3, into 2, into 1. Now अगेन यू कैन सी दैट आई है अपर स्टेप फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू वन इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी बड़े नंबर के फैक्टोरियल को आप छोटे नंबर के फैक्टोरियल तक ओपन कर सकते हैं जैसे यहां पर मैंने सेवन फैक्टोरियल को ओपन किया है कहां तक फाइव फैक्टोरियल तक ठीक है इस तरह जो ये जो ट्रिक है कि हम बड़े नंबर को छोटे नंबर के फैक्टोरियल तक ओपन करते हैं ये हमें तब काम आती है जब हम फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन कर रहे होते हैं नेक्स्ट नाउ कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन जिस जैसा कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है सिलेक्शन इट मीन्स दैट कॉम्बिनेशन इज बेसिकली आर सिलेक्शन वेयर ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल सपोज यू हैव थ्री आइटम्स बनाना मैंगो एंड एप्पल आउट ऑफ दीज थ्री यू हैव टू सेलेक्ट टू आइटम्स हाउ मैनी डिफरेंट पॉसिबल चॉइसिस डू यू हैव आपके पास तीन आइटम्स हैं बनाना मैंगो एंड एप्पल इन तीन में से आपने टू आइटम्स को चूज करना है तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कितने ऐसे तरीके हैं कि आप दो आइटम्स को चूज कर सकें फॉर एग्जाम्पल आई कैन चूज बनाना एंड एप्पल ठीक है एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि मैं बनाना और एप्पल चूज करूं सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मैं बनाना और मैंगो चूज करूं थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मैं एप्पल और मैंगो चूज़ करूँ इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है सिर्फ यही तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं तो इसका मतलब क्या है कि अगर तीन आइटम्स में से मुझे दो आइटम्स को सिलेक्ट करना है तो मेरे पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं थ्री पॉसिबिलिटीज़ हैं ठीक है ये एक इजी एग्जांपल था यहाँ पे हमें जो सिलेक्शन की टेक्निक या कॉम्बिनेशन वो यूज़ करने की ज़रूरत पेश नहीं आई अब कॉम्बिनेशन की जो टेक्निक है वो हमें यूज करने की जरूरत कहां पेश आएगी ये मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताती हूँ नाउ लेट एस मोडिफाई द क्वेश्चन नाउ द क्वेश्चन इज सपोज यू हैव टेन आइटम्स एंड आउट ऑफ टेन यू हैव टू सेलेक्ट टू आइटम्स हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबल डू यू हैव यहाँ पे क्या है टोटल टेन आइटम्स हैं और टेन आइटम्स में से आपने दो आइटम्स को सेलेक्ट करना है अब हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है हम चेक करते हैं पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि हम आइटम वन और आइटम टू को सिलेक्ट कर लें दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हम आइटम वन और आइटम थ्री को सिलेक्ट कर लें तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हम आइटम वन और आइटम फोर को सिलेक्ट कर लें चौथी पॉसिबिलिटी क्या है कि हम आइटम वन और आइटम फाइव को सिलेक्ट कर लें यानी कि इस तरह की बेतहाशा पॉसिबिलिटीज़ हैं अगर हम मैनुअली इसको करने की कोशिश करें तो ये हमारे लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन है बिकॉज देयर आर मच मोर पॉसिबल चॉइसेस सो हेयर द आंसर विल बी प्रोवाइडेड बाय यूजिंग द कॉम्बिनेशन टेक्निक ठीक है अब कॉम्बिनेशन टेक्निक को यूज करने की जरूरत हमें पेश आ गई क्योंकि हमारा सवाल जो है वो वैसा सिंपल नहीं है जैसा हमारा पिछला था तो अब यहां पे हम क्या करेंगे टेक्निक ऑफ कॉम्बिनेशन यूज करेंगे उससे पहले लेट मी एक्सप्लेन वट इज द टेक्निक ऑफ कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन इज द सिलेक्शन ऑफ आर आइटम्स आउट ऑफ नाइन आइटम्स राइट वट इज एन एन इज द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स यानी कि कितने आइटम्स हमें अवेलेबल हैं। आर इज द आइटम्स टू बी सिलेक्टेड यानी कि उन अवेलेबल आइटम्स में से हमने कितने आइटम्स को सिलेक्ट करना है ठीक है अब ये होती क्या है टेक्निक इसका फार्मूला क्या होता है सामने आपकी स्क्रीन पे ये फॉर्मूला आ रहा है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे एन सी आर दिस इज द सिंबल फॉर कॉम्बिनेशन एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन एंड दिस फॉर्मूला गिव्स अस द नंबर ऑफ

टेन कॉम्बिनेशन फोर यानी कि टोटल टेन आइटम्स में से हमने फोर आइटम्स को चूज करना है इज इक्वल टू बाय द फॉर्मूला इन प्लेस ऑफ एन आई विल सब्सिटी टेन एंड इन प्लेस ऑफ आर आई विल सो इट विल टर्न टू टेन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फोर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई टेन माइनस फोर फैक्टोरियल ठीक है इन द नेक्स्ट स्टेप इट हैज टर्न टू टेन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फोर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई सिक्स फैक्टोरियल अब हम इसको इसके फैक्टोरियल को ओपन करके इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर कैलकुलेट करके लिखेंगे कुछ साइंटिफिक कैलकुलेटर्स में बल्कि ऑलमोस्ट तमाम साइंटिफिक कैलकुलेटर्स में आपको कॉम्बिनेशन का बटन दिया हुआ होता है उसमें आपको फॉर्मूले के जरिए ओपन करने की ज़रूरत नहीं है जस्ट आप कॉम्बिनेशन का बटन प्रेस करेंगे एन की और आर की वैल्यू देंगे और आपको डायरेक्ट इसका आंसर मिल जाएगा ठीक है लेकिन बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये कॉम्बिनेशन और ये काउंटिंग टेक्निक आ रही होती है वहाँ पे आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता तो वहाँ पे आपको ये इसी तरह बाय फार्मूला करना पड़ेगा ठीक है इसलिए यहाँ पे मैंने आपको बाय फार्मूला इसको ओपन करना बता दिया है ताकि अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है तो आपको इसे करने में कोई भी डिफिकल्टी ना हो सकते हैं कि मैंने क्या किया है टेन फैक्टोरियल को मैंने कहाँ तक ओपन किया टेन इंटू नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स फैक्टोरियल तक ओपन किया है क्योंकि मुझे पता है कि डिनोमिनेटर में भी सिक्स फैक्टोरियल की टर्म मौजूद है तो सिक्स फैक्टोरियल की टर्म से मैं सिक्स फैक्टोरियल की टर्म को कैंसिल आउट कर दूँगी ठीक है इसलिए मैंने डिनोमिनेटर में सिक्स फैक्टोरियल को ओपन नहीं किया बल्कि फोर फैक्टोरियल को ओपन किया है फ़ोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन तो सिक्स नोमिनेटर वाले सिक्स फैक्टोरियल को डिनोमिनेटर वाले सिक्स फैक्टोरियल से कैंसिल आउट कर लें और सिंप्लीफाई करने के बाद जब आप देखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा टू हंड्रेड एंड टेन अगर हमारे पास टेन आइटम्स हैं एंड आउट ऑफ टेन हमें फोर आइटम्स चूज करने हैं तो टू हंड्रेड टेन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं ठीक है नेक्स्ट स्लाइड नाउ आई हैव चूजन अ क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज सेवन पॉइंट थ्री वट इज द क्वेश्चन the question is in how many ways can a party of 5 students and 2 teachers be formed out of 15 students and 5 teachers in other words out of 15 students you have to choose 5 students and out of 5 teachers you have to choose 2 teachers okay? so here again we will use the technique of combination for students and for teachers as well First, the selection of 5 students out of 15 students is made by using the technique of combination. 15 combination 5, and if you solve it, you will get 3003. Now, the selection of 3 teachers out of 5 teachers is equal to 5 combination 3, and the answer is 10. Total possible selections are we will multiply these two numbers.

लेकिन क्या डिफरेंस है परमोटेशन में और कॉम्बिनेशन में परमोटेशन इज बेसिकली अ सिलेक्शन बट इन दिस सिलेक्शन द ऑर्डर ऑफ द आइटम इज इम्पॉर्टेंट परमोटेशन में भी आप सिलेक्शन ही करते हैं मगर यहाँ पर क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ द आइटम इम्पॉर्टेंट होता है कैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पहले आइटम वन चूज़ करते हैं और फिर आइटम टू चूज़ करते हैं एक ये सिलेक्शन है और दूसरी सिलेक्शन क्या है कि पहले आप आइटम टू चूज़ करते हैं और फिर आइटम वन चूज़ करते हैं दोनों सिलेक्शंस आपको अलग अलग रिज़ल्ट दे रही हैं ठीक है अगर दोनों सिलेक्शनस आपको अलग अलग रिज़ल्ट दे रही हैं तो यहाँ पे आप परमोटेशन टेक्निक यूज़ करेंगे कॉम्बिनेशन टेक्निक यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि कॉम्बिनेशन टेक्निक में ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट और परमोटेशन टेक्निक में ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट Let us understand this technique with an example. Suppose you have 10 items. Out of 10, you have to select 2 items. How many different possible choices do you have? Here, if we choose item 1 and item 2 first, and then we choose item 2 and item 1. Both the choices have different importance. Dono choices ka alag alag meaning hai, hai? Phir kya hoga? And there are much more possibilities of course. So here permutation technique will provide us the answer. Now what is the technique of permutation? Permutation is a selection of R items out of n items. वेन ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट ठीक है आपने आर आइटम्स को सिलेक्ट करना है टोटल एन आइटम्स में से और इनका जो ऑर्डर है वो इम्पोर्टेंट है ठीक है फॉर्मूला क्या होता है परमोटेशन का एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल परमोटेशन टेक्निक कहाँ अप्लाई होगी इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए एक्सरसाइज नंबर सेवन पॉइंट थ्री में से मैंने एक क्वेश्चन चूज़ किया है वट इज़ द क्वेश्चन द क्वेश्चन इज हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाई यूजिंग टू वॉवल्स एंड थ्री कॉन्सोनेट्स आउट ऑफ फोर वॉवल्स एंड सेवन कॉन्सोनेट्स यानी कि कितने वर्ड्स आप फॉर्म कर सकते हैं टू वॉवल्स और थ्री कॉन्सोनेट्स को यूज़ करके जबकि टोटल फोर वॉवल्स अवेलेबल हैं और सेवन कॉन्सेंट्स अवेलेबल हैं अब यहाँ पे आप देखें कि ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है हमें पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल ओ एन ऑन एक अलग वर्ड है एंड एन ओ नो एक अलग वर्ड है ठीक है अब यहाँ पे क्या हुआ ऑर्डर इम्पोर्टेंट हो गया जब ऑर्डर इम्पोर्टेंट है तो हम कॉम्बिनेशन टेक्निक को यूज़ नहीं कर सकते हमें परमोटेशन टेक्निक को यूज करना है ठीक है अब आप इसके सोल्यूशन में देखें कि फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ टू वॉवल्स आउट ऑफ फोर वॉवल्स इज इक्वल टू फोर परमोटेशन टू फोर परमोटेशन टू अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इट इज इक्वल टू फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फोर माइनस टू फैक्टोरियल एंड वैन वी सिंपलीफाइड वी गेट द आंसर ट्वेल्व सिमिलरली सिलेक्शन ऑफ थ्री कॉन्स्टोडेंट्स आउट ऑफ सेवन कॉन्स्टोडेंट्स इज इक्वल टू सेवन परमोटेशन थ्री and uh, according to the formula it will be equal to 7 factorial divided by 7 minus 3 factorial is equal to 210 total possible selections are equal to we will multiply these two selections of vowels and consonants 12 multiplied by 210 is equal to 2520 hope that you have understood the difference between permutation and combination. Now I am summarizing the difference between combination and permutation again. What is combination? It is the selection of R items out of N items when order is not important. What are the examples where we can use the combination? Where is order not important? एग्जाम्पल नंबर वन टू सिलेक्ट अ ग्रुप ऑफ सिक्स पीपल आउट ऑफ टेन पीपल जब आपको लोगों का कोई ग्रुप चूज करना है तो उसमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है कि पहले आपने किसको चूज किया फिर किसको चूज किया फिर किसको चूज किया ठीक है द सेकेंड एग्जाम्पल इज टू सेक्ट फोर फ्रूट ऑफ टेन फ्रूट्स टू प्रीपेयर फ्रूट चार्ट दस फ्रूट्स में से अगर आपने फोर फ्रूट्स को सिलेक्ट करना है तो यहां पर भी ऑर्डर क्या है इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे भी आप कौन सी टेक्निक यूज करेंगे कॉम्बिनेशन टेक्निक यूज करेंगे नाउ हेयर कम्स परमोटेशन वर्मोटेशन सिलेक्शन ऑफ आर आइटम्स आउट ऑफ एन आइटम्स वेन ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट परमोटेशन में क्या होता है कि ऑर्डर इम्पोर्टेंट होता है अब इसकी एग्जाम्पल्स क्या है एग्जाम्पल नंबर वन इज टू सेलेक्ट थ्री डिजिट नंबर प्लेट बाई यूजिंग नाइन टोटल डिजिट्स नाइन टोटल डिजिट्स में से आपने तीन डिजिट्स को यूज़ करते हुए नंबर प्लेट बनानी है अब डिजिट्स में भी ऑर्डर इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी नो दैट सेवन थ्री इज सेवेंटी थ्री एंड वेन वी चेंज द ऑर्डर ऑफ दीज टू नंबर थ्री कम्स फर्स्ट एंड सेवन कम्स आफ्टर इट नाउ इट इज़ नॉट सेवेंटी थ्री नाउ इट इज़ थर्टी सेवन सो ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट हेयर वी विल यूज़ द परमोटेशन टेक्निक

परमोटेशन की टेक्नीक यूज़ करनी है ना कि कॉम्बिनेशन की टेक्नीक यूज़ करनी है ठीक है होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेरी क्लियरली द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड परमोटेशन आई हैव सॉल्व टू क्वेश्चन फ्राम एक्सरसाइज सेवन पॉइंट थ्री वन वॉज बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन टेक्नीक एंड द अदर वॉज अबाउट द परमोटेशन टेक्नीक सो अब स्टूडेंट्स आपका होमवर्क क्या है आपने अपनी बुक उठानी है मैथ्स की और उसके साथ ज़ाहिर है नोटबुक और पेन भी उठाना है और सेवन पॉइंट थ्री के क्वेश्चन को वन बाई वन सॉल्व करना है और आपने ये डिसाइड करना है कि कहाँ पर कॉम्बिनेशन टेक्निक अप्लाई होगी और कहाँ परमोटेशन टेक्निक अप्लाई होगी किसी क्वेश्चन में अगर आपको डिफ़िकल्टी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आपकी डिफ़िकल्टी को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो